उसके बाद करेंगे बड़ी खबर की, छठ पूजा को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में अधिकारियों के साथ सीएम योगी की यह बैठक है, जहां बैठक में छठ को लेकर के तैयारियों की समीक्षा होनी है। सीएम आवास पर वक्त बताया जा रहा है 10 बजे, जब यह बैठक होगी। तो आस्था के महापर्व छठ को लेकर के क्या तैयारियां हैं, घाटों की स्थिति से लगाए जब तमाम लोग आते हैं तो उस भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या स्थितियां रहेंगी, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इस पर निगाहें खुद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इसीलिए 10 बजे ये बड़ी बैठक होने वाली है। अब बात करते हैं मौसम की, तो गोरखपुर का अब जिक्र करने पर आपको बताना होगा कि सीजन के साथ कोहरे की शुरुआत हो गई है। लखनऊ फोर लेन पर गीडा के पास पूरा इलाका आज कुछ इस तरीके से कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। अब लोगों को फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि अपनी गाड़ी को भी ठीक ठाक रखें, फॉग लाइट दुरुस्त करा लें, क्योंकि मौसम ने दस्तक दे दी है, कोहरे की शुरुआत हो गई है। खबर लखनऊ से है, सड़कों के गड्ढे भरने की रफ्तार धीमी बताई जा रही है। लखनऊ मंडल में आधा काम भी नहीं हुआ है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। प्रदेश में भी औसत से नीचे रफ्तार से काम चल रहा है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, बांडा मंडल में औसत से कम काम हुआ है। लखनऊ में 42, जो कि राजधानी है, 42% सड़कों को ही गड्ढा मुक्त किया जा सका है। इसके अलावा गोंडा, झांसी, मिर्जापुर में 40% काम पूरा नहीं हुआ है। सभी मंडलों में औसत काम का जो आंकड़ा है वो 47% है। गोरखपुर और मेरठ में ही 60% से ज्यादा काम होता इस वक्त दिखाई दे रहा है। लक्ष्य हासिल करने में महज 18 दिन बचे हैं। 15 नवम्बर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने इंजीनियर्स को चेतावनी दी है और काम के सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए हैं। मतलब खाना पूर्ति मत कीजिएगा, सड़क पर गड्ढे भरने के नाम पर खाना पूर्ति नहीं चलेगी, लीपापोती नहीं चलेगी। काम का सत्यापन भी होगा, वेरीफाई करेंगे इंजीनियर्स, और जो अभी मौजूदा स्थिति है वो इस तरफ इशारा करती है कि रफ्तार बड़ी कम है। राजधानी लखनऊ में ये हाल है, जहां 48% ही काम पूरा हो पाया है और 18 दिन महज बाकी रह गए हैं इतने बड़े सूबे की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का। तो अब ये ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि कहीं ना कहीं अभी भी रफ्तार कम है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेश, जब राजधानी यानी नाक के नीचे ये हाल है, जहां सिर्फ 48% का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, 18 दिन का टारगेट पूरा कैसे होगा? जो अगर हम पूरे प्रदेश का औसत ले तो लगभग 47% है, और लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ मंडल है, राजधानी है, यहाँ पर प्रदेश की औसत से भी कम गड्ढा मुक्ति का काम किया जा सका है। इसी तरह से अगर आप अन्य जो मंडल है उनको, चाहे आप गोंडा को लीजिए, बस्ती को लीजिए, बांदा को लीजिए, ये वो मंडल है जहाँ पर काम की स्थिति बहुत ही खराब है। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर और मेरठ वो मंडल है जहाँ पर थोड़ा बेहतर काम है, 60% से ज़्यादा काम हुआ है, एक जगह 61%, एक जगह 67%। ऐसे में जब समीक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने, तो ये आंकड़े देखिए निकल कर सामने आए। उन्होंने फटकार भी लगाई अधिकारियों को, लेकिन देखना ये होगा कि क्या दिन रात काम करके भी ये अपने इस लक्ष्य को विभाग हासिल कर पाता है। और दूसरी चीज कि कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में काम जो है वो हल्का कर दिया जाए, औपचारिकता कर दी जाए। विभाग के ऊपर दो तरीके के सवाल उठते हैं। क्या इतना ज्यादा गड्ढों इससे युक्त थी हमारी सड़कें कि जिसे गड्ढा से मुक्त करने में टारगेट नहीं अचीव किया जा रहा है, या फिर ऐसा मौसम भी ठीक है? क्या क्या चीजें आड़े आ रही हैं कि गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही है सड़कें? देखिए, कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो सबसे बड़ी आड़े आने की वजह होती है। बीच में देखिए कुछ पर्व जरूर आए, दीपावली का पर्व है, भाई दूज का है, लेकिन जब एक लक्ष्य मिला हुआ है तो वो तो पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री सीधे निर्देश दे रहे हैं कितनी प्राथमिकता के काम है, और देखिए लगातार ये वो गड्ढे हैं जो सरकार को विपक्ष के सवालों में घेरने का काम करते हैं। ये वो गड्ढे हैं जो लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती की। अभी तो एक खबर आई कि आखिर मंत्री, विधायक और वो तमाम नेता इसी सड़क पर चलते हैं और उनकी भी गाड़ी फंसती है, और कुल मिलाकर के ये गड्ढा मुक्त सड़कों का जो पूरा मामला है, जो रिपोर्ट होगी हम जनता तक, दर्शकों तक तो जरूर पहुंचाएंगे आप ही के कैमरे के माध्यम से। शैलेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। बात करते हैं आजम खान की, विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। आपको बताया कि हेट स्पीच मामले में बुधवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी, और तभी से आजम की सदस्यता रद्द होने की बात कही जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
जहां से आजम खान 2022 का चुनाव जीत करके विधायक बने थे। अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई सांसद या विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और इसी नियम के दायरे में भी आते हैं आजम खान, जिन्हें 3 साल की सजा हुई है, यानी 1 साल ज्यादा, 2 साल से ज्यादा का ये आंकड़ा है। इसीलिए अब ये विधानसभा सदस्यता रद्द होने की औपचारिकता भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पद को रिक्त कर दिया है। इस सीट के आगे रिक्त लगा दिया है, विधायक का नाम आजम खान नहीं लिखा है। इसका साफ मतलब है कि यहाँ उपचुनाव होंगे और नए विधायक को चुना जाएगा। कह सकते हैं हेट स्पीच पर आखिरी हथौड़ा, आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई है। सबसे बड़ी अपडेट तो यही है, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस सदस्यता को रद्द किया है। 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आजम खान, ये भी तय है। आजम को पहले 3 साल की सजा काटनी होगी, सजा के 6 साल बाद भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 27 अक्टूबर को रामपुर की MP MLA कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर में उपचुनाव भी होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त हेट स्पीच में ये सजा आजम खान को सुनाई गई है। रामपुर की विलक विधानसभा में भड़काऊ बयान दिया था, भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी। और बीते 6 साल में आजम खान के ऊपर लगभग 90 के करीब मामले दर्ज किए गए और ये पहला मामला है जिसमें आजम के खिलाफ फैसला भी आया। बाकी सभी मामलों में आजम जमानत पर चल रहे हैं, हालांकि जमानत इस मामले में भी मिली है, लेकिन कुल मिलाकर के आरोप तय होकर के सजा जरूर सुनाया गया और इस सजा के दायरे में उनकी विधानसभा सदस्यता आती है, जो कि रद्द हो चुकी है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा और रामपुर से अपडेट लिए हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का। उबैदुर का रुख करते हैं क्योंकि पूरी हलचल जो है वो रामपुर में है, कहीं मायूसी होगी तो कहीं इस बात की तैयारी होगी उबैदुर कि अब उपचुनाव होना है। जी बिल्कुल, आजम खान की सदस्यता रद्द होने के फौरन बाद से जो भाजपा का खेमा है उसमें सरगर्मी तेज हो गई है और उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार जो उपचुनाव होंगे रामपुर शहर विधानसभा सीट पर, उसको भी वो इसी तरह से जीतेंगे जिस तरह से जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। और रामपुर और आजमगढ़ को भाजपा ने जीता, रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है। 10वीं बार आजम खान इस शहर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन उनको सजा होने के बाद जो उनकी जो सीट थी वो अब रिक्त हो गई है और इस पर उपचुनाव तो होना ही है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऑप्शन ये खुलता है कि अगर आजम खान को हाई कोर्ट से कोई राहत मिल जाती है तो फिर वो टल जाएगा। लेकिन आप भाजपा की कोशिश ये है, जो विरोधी खेमा है, कि इस बार आजम खान का जो वर्चस्व वाला गढ़ है और वो शहर सीट जहाँ पर आजम खान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जेल में रहते हुए जीते इस बार, तो उसको तोड़ना है। लेकिन आजम खान को अगर राहत नहीं भी मिलती है और उपचुनाव होते हैं तो आजम खान के लिए एक दूसरा तरीका ये होगा कि वो अपनी पत्नी को इस सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं, तजीन फातिमा को। और उस वक्त अगर तजीन फातिमा मैदान में आती हैं तो आजम खान को हराना एक तरह से बहुत मुश्किल काम होगा। ये आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है कि अगर तंजीम फातिमा आती हैं तो चुनाव लड़ने की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं वो और रुख लेगी, दूसरे तरफ भी जाएगी। ये कहां से बदलेगा ये पूरी रणनीति, वो लखनऊ से बदलेगी बीजेपी की, अगर तंजीम आती है मैदान में। शैलेश के पास अपडेट होगी कि कैसे बीजेपी खेमा रामपुर में देख रही होगी, लखनऊ में बैठे बैठे आलाकमान कैसे देख रहे होंगे। देखिए, आप अगर गौर कीजिए तो आजम खान की जो सीट है वो रिक्त करने का नोटिफिकेशन, उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो शाम को सामने आई। लेकिन उससे पहले ही बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात कही कि अगर वो सीट खाली हुई तो भाजपा वहाँ भी कमल खिलाएगी। यानी ये जो परिस्थितियाँ बन रही थी, एक अनुमान लगाकर जो भाजपा के लोग बैठे थे, वो अपनी तैयारी में पहले से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, आजम खान के ऊपर जो मुश्किलें इस समय आई हैं वो सिर्फ उनकी मुश्किलें नहीं बल्कि सपा के लिए भी मुश्किल भरे हालात है। और ये मान लीजिए कि इसके साथ ही आजम खान के लिए वापसी करना सियासी रण में एक मुश्किल काम हो जाएगा। उसके पीछे की अगर आप चीज़ों को देखें, 6 साल के लिए अगर उनके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए रोक लगती है तो देखिए 6 साल के बाद की परिस्थितियों को आप देखिए, इस बीच में उनका वोटर से जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूटेगा, दूसरा उनकी सेहत, तीसरा उनकी उम्र, चौथा इतने मुकदमों का दबाव उसको फेस करना, तो इन चीज़ों के बाद क्या सियासी रण में उनकी वापसी हो पाएगी, सबसे बड़ा सवाल ये। और आजम खान पश्चिमी यूपी का एक बड़ा चेहरा है। अगर आप विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, रामपुर में 5 में 3 सीटें सपा जीतती है, 1 सीट
आजम खान जीतते हैं, एक सीट उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जीतते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए संभल की बात कर लीजिए, मुरादाबाद की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी सपा जो है सीटें अच्छी जीतती है। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी को अगर आप पूरा देखेंगे तो 40 सीटें सपा और रालोद का गठबंधन जीतता है, और उसमें से जो आजम खान की भूमिका है वो भी काफी अहम मानी जाती है कि जो मुस्लिम वोटर है उनको अट्रैक करने के लिए एक बड़ा, क्योंकि मुस्लिम चेहरा है। लेकिन ऐसे समय पर जब आजम खान को सजा सुनाई गई, जब उनकी सीट को रिक्त घोषित किया गया, जब 6 साल तक आगे चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, तो उसको अगर आप देखें तो सपा के लिए मुश्किल भरे हालात। क्यों? आगे निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में एक तरफ भाजपा पहले ही देखिए मुस्लिम जो वोटर्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक करने के लिए लगी है, लगातार जो पसमानदा मुस्लिम समाज है उनको अपनी तरफ जोड़ने में लगी है, और ऐसे में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा ही अगर मैदान से बाहर हो जाएगा जिसको आप एक तरफ स्टार प्रचारक भी अपना बना रहे हैं, तो यही बात समझ में अभी आनी मुश्किल है शैलेश, कि रामपुर और पश्चिमी यूपी के लोग इस चीज को कैसे लेते हैं। उनका विधायक होना उनके कद को निर्धारित करता है या उनका कद विधायकी जाने के बाद भी बरकरार रहता है कि वो प्रचार में भूमिका निभाते हैं। ये तमाम चीजें अभी आने वाले वक्त में स्पष्ट होंगी और देखी जाएंगी। उबैदुर शैलेश, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाय से होने के बाद। आज की बात करें तो आज खरना है, छठ का दूसरा दिन खरना कहलाता है। भोग की तैयारी होती है, शाम के समय मीठा भात या लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। छठ पूजा में तीसरे दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस मौके पर शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। बांस की टोकरी में फलों के साथ, ठेकुए के साथ, कंदमूल के साथ, चावल के लड्डू के साथ अर्घ को देने के लिए व्रती आगे बढ़ते हैं। सूप में तमाम चीजों को सजाते हैं, घुटने भर पानी में खड़े होकर सूर्य देवता का इंतजार करते हैं ताकि अर्घ दे सके। तो आज खरना है, दूसरा दिन है, कल के दिन से अर्घ की शुरुआत होगी। आज जो व्रती हैं वो खरना प्रसाद ग्रहण करेंगे। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से पहले सुबह का अर्घ, सुख समृद्धि। तो छठ को लेकर के तैयारियां पूरी, और कल नहाए खाए से व्रत की शुरुआत, और आज का दिन खरना के लिए है। खरना के दिन व्रती जो है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, साफ सफाई, सात्विक आहार ग्रहण करके इस कठिन व्रत को, इस कठिन तप को पूरा किया जाता है। आज लौकी और गुड़ या गन्ने के रस में बने चावल, तमाम चीजें की जाती हैं। 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आज का जो आहार है शाम के वक्त लिया हुआ, अब व्रत संपन्न होने के बाद ही अन्न या जल को ग्रहण कर पाएंगे व्रती। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का, जो गंगा घाट पर मौजूद है, और घाटों की रौनक दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। आज की बात करें खरना की, तो नीतीश आपने भी नोटिस किया होगा कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे अर्घ का वक्त, अर्घ का नजदीक आ रहा है, घाटों की रौनक में कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखे जाते हैं। आपने कुछ नोटिस किया ऐसा? निश्चित तौर पे आस्था लगातार बढ़ रही है, और इसके साथ नेहा आज जो गीत हम आपको सुनाएंगे, मुस्लिम संगीतकार है मासूम अली, और इनसे हम जानेंगे, चूंकि सांप्रदायिक सौहार्द का ये शहर है और कहते हैं कि यहाँ पर जो हिंदू हो मुसलमान हो सभी मिलकर किसी पर्व को मनाते हैं, तो छठ पर्व का मौका है। तो मासूम अली जी, आज गीत कौन से हैं, विशेष तब तक तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। देखिए, ये छठ का पर्व है और यहाँ पर मैं 80 घाट पे हूँ, और यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वेदी बना रहे हैं। तो और कल से व्रत स्टार्ट हो गया है, तो उसमें बहुत सारे गीत, बहुत सारे संगीत बनाए गए हैं। तो मैं आपको जो है इस चीज़ को सुनाने का कर रहा हूँ, और ये कहना है कि हो पहले पहले हम कैली छठी माई बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, हो करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार, गोदी के ललनवा के दीहा, हो गोदी के ललनवा के दीहा, मैया अपने आशीर्वाद, मैया अपने आशीर्वाद, पहले पहले हम कैली
छठी मैया असुम जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से आप बता रहे हैं ये गीत, तो व्रत की जब शुरुआत होती है और खरना, तो आज ये गीत गाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बस ये जो पूरा कहे कि आस्था और ये व्रत बढ़ेगा, तो वो कौन से गीत हैं जो आज घरों में जो व्रती महिलाएं आज गुनगुनाती हुई नजर आ रही? देखिए, व्रत कल से स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे ये इस त्यौहार का जोश बढ़ता है। लोग गाजे बाजे के साथ आते हैं यहाँ पर घाट पे, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी चीज़ों को लेकर, फलों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर आते हैं। तो उसमें कहते हैं, हर गंगा घाट के सीढ़ी पे हम वेदी बनाई भो, हो गंगा घाट के सीढ़ी पे हम वेदी बनाई भो, छठी मैया के हो, छठी मैया के अर्घ देवे आईब हो, छठी मैया के अर्घ देवे आईब हो, गंगा घाट के सीढ़ी पे हम वेदी बनाईब हो, गंगा घाट के सीढ़ी पे हम वेदी बनाईब हो, छठी मैया के अर्घ देवे आईब हो, छठी मैया। सुम जी, वेदियां तो बन गई हैं, लेकिन जब इस घाट पे लोग आएंगे और कहा जाएगा कि जब वो व्रत रख चुके होंगे और अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ देने आते हैं, तो एक गीत बड़ा प्रचलित है और उसके बारे में क्या कहना है? ये देखिए, गीत तमाम है प्रचलित, जो छठ का एक परंपरावादी जो संगीत होती है उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं और उसको सुनाते हैं। तो कहना है कि हो उगा है सूरज मल जल, ओ उगा नेटवर्क का इशू आ रहा है नीतीश, लेकिन मासूम की आवाज में पूर्वांचल का वो कड़कपन है और बिहार का ठहराव भी है नीतीश, बहुत प्यारी आवाज है और ये खूबसूरत गीत सुना हमने, नीतीश के साथ सहयोगी थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।